हेलो क्लास एके बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे आपकी हिंदी अध्याय बुक से पाठ 18, जॉर्ज स्टीफेंसन। तो आप अपनी हिंदी अध्याय बुक निकालिए और ओपन करिए पेज नंबर 84, पाठ 18, जॉर्ज स्टीफेंसन। बच्चों, जॉर्ज स्टीफेंसन ने किसका वो किया था? जॉर्ज स्टीफेंसन ने भाप के इंजन की खोज की थी, है ना, इसकी खोज की थी। तो चलिए आज उनकी ही कहानी पढ़ते हैं। तो आपने बुक निकाल ली, अब पेज ओपन कर लीजिए 84। जॉर्ज स्टीफेंसन इंग्लैंड का प्रसिद्ध इंजीनियर था। कहाँ के थे ये? इंग्लैंड के प्रसिद्ध इंजीनियर। जॉर्ज स्टीफेंसन इंग्लैंड का प्रसिद्ध इंजीनियर था। दुनिया में सबसे पहला स्टीम इंजन उसने ही बनाया था, है ना। तो दुनिया में जो स्टीम इंजन था, भाप वाला इंजन, वो किसने बनाया था? जॉर्ज स्टीफेंसन ने, है ना। एक बार उन्होंने जब पानी को उबलते हुए देखा था, तो पानी ऐसे उबल रहा था और उसके ऊपर जो ढक्कन लगा हुआ था बच्चों, तो पानी जब बहुत तेज खोलता है तो अंदर से आवाज़ भी आती है और वो एक जो भाप थी उसके प्रेशर से ढक्कन उछल रहा था। तो जॉर्ज को यही लगा कि भाप में इतनी शक्ति है कि वो एक ढक्कन को हिला रहा है, तो इसीलिए उन्होंने फिर इसकी खोज की थी। फिर उन्होंने भाप के इंजन की खोज की। तो चलिए उनकी कहानी पढ़ते हैं। उनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। बचपन में ही जॉर्ज के माता पिता चल बसे थे। उनका बचपन कठिनाइयों में बीता था। बचपन में उनके माता पिता चल बसे थे, तो बच्चों उनका कौन केयर करता? तो उनका बचपन कठिनाइयों में बीता था। जॉर्ज की एक बहन थी, उसका नाम नील था। जॉर्ज नील को बहुत प्यार करता था। अपनी बहन को जॉर्ज बहुत प्यार करते थे, क्योंकि उन लोगों का कोई था नहीं मम्मी पापा, तो जॉर्ज उसका ख्याल रखता था। एक दिन वह उसे घुमाने नगर में ले गया। नील ने एक दुकान पर टोपियां बिकती देखी। देखिए यहाँ पिक्चर में दिखा रहा है ना, टोपियां बिक रही हैं। उसे एक टोपी पसंद आ गई। जॉर्ज ने टोपी की कीमत पूछी। टोपी की कीमत जितने पैसे जॉर्ज की जेब में नहीं थे, उसके पास 15 पेंस कम थे। तो बच्चों, इंग्लैंड में क्या चलता है? पेंस। तो उसके पास क्या हुआ? 15 पेंस कम थे। बहन को इस पर निराशा हुई। जॉर्ज बोला, नील तो परवाह ना कर, मैं अभी तेरे लिए पैसे लाता हूँ, मेरे आने तक तू यहीं खड़ी रहना। ये कहकर जॉर्ज वहां से चला गया। बहुत देर हो गई, जॉर्ज ना आया। नील चिंता कर रही थी कि जॉर्ज कहाँ चला गया। कुछ देर बाद जॉर्ज उमंग में भरा दौड़ता हुआ आया। उमंग मतलब खुशी में भरा दौड़ता हुआ आया। वह बोला, बहन मैं तेरी टोपी के लिए पैसे ले आया हूँ। उसने दुकानदार को पैसे दिए और टोपी खरीद ली। पर भैया, तुम्हें इतने पैसे मिले कहाँ से? तुम कहाँ चले गए थे? मार्ग में नील ने जॉर्ज से पूछा। तो जॉर्ज को टोपी खरीदने के लिए पैसों की जरूरत थी। वह मजदूरी की खोज में निकला था। उसने देखा कि एक घोड़ा उसकी ओर दौड़ा चला आ रहा था। उसके पीछे बहुत से लोग दौड़े आ रहे थे। जॉर्ज ने घोड़े का पीछा किया और साहस करके, हिम्मत करके उसकी रास पकड़ ली। घोड़ा बहुत उछला कूदा, परंतु साहसी जॉर्ज ने उसकी रास ना छोड़ी। जो उसकी लगाम होती है वो उन्होंने नहीं छोड़ी। वो कितना भी उछला कूदा, तो इतने में घोड़े का स्वामी आ गया। उसने जॉर्ज को इनाम दिया। लोगों ने पीठ थपथपाकर जॉर्ज की हिम्मत की बहुत सराहना की, है ना बच्चों। जॉर्ज ने हिम्मत तो दिखाई ही, साहस दिखाया ना उसने, क्योंकि घोड़ा दौड़ रहा था और लोग उसके पीछे भाग रहे थे। अगर जॉर्ज डर जाता, किनारे हो जाता, तब तो वो नहीं उसको पकड़ पाता, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई और उसकी
लगाम जो थी घोड़े की रास वो पकड़ ली। फिर उसके बदले में उसको पैसे मिले। इनाम के पैसे लेके जॉर्ज टोपियों की दुकान पर आ गया। बहन की इच्छा पूरी होते देख जॉर्ज को बड़ा आनंद आया, है ना, उसको बड़ी खुशी हुई। नेल भी कितनी खुश थी ऐसे भाई को पाकर, है ना बच्चों। तो आपको आज जॉर्ज स्टीफेंसन की ये कहानी पता चली ना कि वो अपनी बहन को कितना प्यार करते थे, और उन्होंने ही क्या किसकी खोज की थी, स्टीम इंजन उन्होंने ही बनाया था, इसका भाप वाला इंजन। तो आपको ये चैप्टर अच्छा लगा ना, इसे और एक बार पढ़िए और इसका जो शब्द अर्थ है वो कॉपी में लिखिए, याद करिए, इसका प्रश्न पहर चलिए कर लीजिए, पेंसिल निकालिए फौरन। जॉर्ज का जन्म कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था, इंग्लैंड पे टिक कर लीजिए। जॉर्ज का बचपन बहुत कठिनाइयों में बीता। अभी तेरे लिए क्या लाता हूँ, मैं अभी तेरे लिए पैसे लेकर आता हूँ, है ना, पैसे लेने के लिए चले जाते हैं ना जॉर्ज। इतने में घोड़े का स्वामी वहां आ गया, स्वामी पे टिक लगाइए। जॉर्ज ने साहस करके घोड़े की रास पकड़ ली। चलिए फिर नेक्स्ट पेज टर्न करिए, इसमें क्या है, सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। जॉर्ज स्टीफेंसन इंग्लैंड का प्रसिद्ध इंजीनियर था। जॉर्ज स्टीफेंसन के आविष्कार का नाम स्टीम इंजन, भाप वाला इंजन। जॉर्ज की बहन का नाम क्या था, नेल, है ना, नेल था। जॉर्ज को घोड़े के स्वामी ने इनाम दिया था। ये हो गया ना। फिर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों प्रश्नों के उत्तर भी बहुत आसान है। इसमें पूछा है इसने जॉर्ज स्टीफेंसन कौन था, आप इसे कॉपी में करेंगे। जॉर्ज स्टीफेंसन कौन था, जॉर्ज स्टीफेंसन इंग्लैंड का प्रसिद्ध इंजीनियर था, बस आपको इतना लिखना है। जॉर्ज स्टीफेंसन इंग्लैंड का प्रसिद्ध इंजीनियर था, आपकी बुक में देखिए पहली लाइन में यही लिखा हुआ है। जॉर्ज स्टीफेंसन ने क्या बनाया था, जॉर्ज स्टीफेंसन ने दुनिया का सबसे पहला स्टीम इंजन बनाया था। जॉर्ज स्टीफेंसन ने दुनिया का सबसे पहला स्टीम इंजन बनाया था। बहन को टोपियों की दुकान पर छोड़कर जॉर्ज कहाँ चला गया था, तो बहन को टोपियों की दुकान पर छोड़कर जॉर्ज पैसे लेने चला गया था। वो अपनी बहन से बोला था ना कि तुम यहाँ पे ठहरो, मैं तुम्हारे लिए पैसे लेकर आता हूँ। तो आप लिखेंगे बहन को टोपियों की दुकान पर छोड़कर जॉर्ज पैसे लेने चला गया था, या पैसे का इंतजाम करने चला गया था। फिर नेक्स्ट है, लोगों ने जॉर्ज की सराहना क्यों की, उसकी तारीफ क्यों की, क्योंकि उसने साहस का काम किया था ना। तो लोगों ने जॉर्ज की सराहना इसलिए की क्योंकि उसने साहस का काम किया था, उसने एक बेलगाम घोड़े को काबू में किया था, है ना, बेलगाम ही तो था, वो भाग रहा था। तो जॉर्ज ने, लोगों ने जॉर्ज की सराहना इसलिए की क्योंकि उसने एक साहस भरा काम किया था, उसने एक बेलगाम घोड़े को काबू में किया था, बस आपको इतना लिखना है, ठीक है बच्चों। तो आप लोग ये कर लीजिएगा, और फिर एक और चैप्टर है क्या आपका, तो वो हम लोग पढ़ेंगे फिर नेक्स्ट डे, ओके।